आदाब, आप देख रहे हैं वतन समाचार में शादाब खान। इस वक्त बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से सामने आ रही है, जहां यूपीआरओ की परीक्षा चल रही थी और इस परीक्षा में चीटिंग को अंजाम दिया गया है। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा केंद्र जीएल टीचर्स एजुकेशनल कॉलेज ग्राम पनवारी में परीक्षा हो रही थी, जहाँ इन्विजिलेटर को छात्रों को नकल कराते हुए पकड़ा गया। जब उस फर्जी इन्विजिलेटर को पकड़ने की कोशिश की गई तो कॉलेज प्रशासन ने उसे भगा दिया और कोई भी लिखित शिकायत लेने से साफ मना कर दिया। मौके पर मौजूद छात्रों ने इस घटना और चीटिंग करने वाले छात्र की जानकारी एक एप्लीकेशन में लिखकर पुलिस के पास जमा करवा दी है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। प्रशासन की कोई सख्ती नहीं है। जब हमने पूछा परीक्षक से कि ये क्या हो रहा है, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था। पेपर ओवर हो चुका है और पेपर में बाकायदा दो दो तीन तीन लोग आके नकल करा रहे हैं ग्रुप में। हाँ भाई, यही था कि उसको जो स्टूडेंट्स को आपकी एनालॉग वॉच ले जाना अलाउड नहीं है, लेदर बेल्ट अलाउड नहीं है, सारी चीजें अलाउड नहीं है, और इनकी जानकारी के बिना ये हो सकता है कि कोई बाहर का इन्विजिलेटर आ जाए। जब हमने कॉलेज के प्रशासन से बात की तो उन्होंने कुछ भी कोई भी ये नहीं कहा, कौन था किसका कोई भी पता नहीं। अंदर आके पुलिस बैठी हुई है, अभी तक कोई भी कुछ भी समाधान नहीं किया। आप लोगों ने अभी एप्लीकेशन लिखी, कह रहे हैं कि शिकायत मत करो, उन दोनों बच्चों की एब्सेंट लगवा दे। बहुत आदत पड़ी हुई है इनमें। अच्छा, जो रूम नंबर हैं जिनमें नकल हुई है उनका किसी को था और रोल नंबर आई थी, रोल नंबर 511923 511923 ये कैंडिडेट का पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो भाग गया। अच्छा, पहले उसका तो दो थे, उनके हाथ पर पूरे नंबर्स लिखे हुए थे। इनका काम है। अच्छा, आपने अभी एप्लीकेशन लिखी है, वो कहाँ है? हमारे पास कोई भी नहीं है, मैं इसी कॉलेज से बात कर रहा हूं। हमने पुलिस में फोन किया, पुलिस की तरफ से अभी तक हमारे पास कोई भी अधिकारी नहीं आया या उनका कोई भी और ना ही कोई प्रशासन का आया है। यहाँ पर यहाँ पर दिखा रहे हैं कि हमने पता नहीं कितना मतलब सेफ्टी तरीके से एग्जाम कराया है, टीचर हिलने भी नहीं दे रही है और अदर कमरे में ये सब हो रहा है, तो क्या फायदा ऐसे एग्जाम का? नहीं, यहाँ पर एडीएम अंजनी कुमार है, उनका नाम इनमें लिखा गया है। आपने उसका नाम डिटेल में लिखा है क्या? अंजनी कुमार सिंह को कंप्लेन हो गया है। हो गया है उनको, हो गया है। सीएम पोर्टल भी कंप्लेन किया है, सीएम को ट्वीट भी किया है, सब कुछ कर लिया, स्टिल देयर नो एक्शन। छात्रों के आरोप बहुत संगीन है। अब परीक्षा कराने वाले कॉलेज और चीटिंग कराने वाले इन्विजिलेटर्स पर क्या कार्रवाई होती है, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। देखते रहिए वतन समाचार।